तो आज हम लोग पता करने आए हैं आईफोन्स के रेट के, आईफोन्स के क्या रेट जा रहे हैं रावलपिंडी में, मतलब एक बंदा बेचना पड़ेगा या दो बेचना। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हसन खालिद और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंगापुर प्लाज़ा रावलपिंडी में, और मेरे साथ है इस वक्त इरफान मलिक हमेशा की तरह। तो हम लोग इस वक्त की तरह नहीं, अब मैं जा रहा हूँ जी न्यू ईयर करने थाईलैंड और मालदीव। ठीक है यार, तुमने अकेले ही फिरेगा, तुम जो मर्जी कह लो, तुमने अपनी मनसूसियत जो है ना मेरे पास लेकर सुपर स्टार हो गया आपका भाई, 1,05,000 व्यूज आ गए सुपर स्टार को मुझे। मैं शुक्र के जो है ना वो नफर पड़ूंगा जब तुम दफा हो जाओगे, तुम्हारी मनसूसियत जो है। तो आज हम लोग पता करने आए हैं आईफोन्स के रेट के, आईफोन्स के क्या रेट जा रहे हैं रावलपिंडी में, मतलब एक बंदा बेचना पड़ेगा या दो बेचना। पहले आईफोन एक्स का मालिक है यार, आपको पता नहीं, बहुत अमीर पार्टी यार, गरीब इंसान हूँ। आईफोन 13 आ गया, 14 आने वाला है और अभी तक मैं आईफोन एक्स यूज़ कर रहा हूँ। अमीर बंदा तो ये है, थाईलैंड जा रहा है। क्या हो गया? एक दफ़ा इसका जो है वो टर्की का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है और पैसे ज़ाया हो गए। कोई बात नहीं यार, ये इस पर भी आपको ब्लॉग बना के देंगे, बड़ा नुकसान हुआ है। वो इसके ऊपर एक अलग जो है ना वीडियो डिज़र्व करती है, लेकिन इस दफ़ा जो है ना उन्होंने रिजेक्शन की जो है ना वो स्टैंप इसके मुंह पे मारनी है इन्होंने, इसीलिए गलत मशवरे देता हूं। चलो खैर, किसी दुकान में जाते हैं, रेट शेट पता करते हैं। बड़ा ज़्यादा हम लोगों ने टाइम वेस्ट कर चुके हैं पहले। हम लोग गलत फ्लोर में आ गए, तू हमेशा गलत ही फ्लोर पे लाया कर। मैं तुम्हें सक्सेस के फ्लोर पे चढ़ाता हूँ ना, बड़ी सक्सेस। मैं जा रहा हूँ भाई, मैं इधर हूँ, अंधेरे ही अंधेरे हैं, मैं इधर हूँ ही नहीं, हमारी जिंदगी की तरह अंधेरे ही अंधेरे छाए हुए यहाँ पे। ये इससे पूछा सर, चल आज तुम बात करेगा आज, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, व्लॉग बन रहे हैं हम लोग, तेरा आईफोन के रेट्स वगैरह पता कर रहे थे। वो चले गए भाई, ये खड़े ये हमें आईफोन 12 का रेट बता दें। और आईफोन ये नॉन पीटी है, पीटी है, पीटी आपको मिलता है 160-165 में, ठीक हो गया। और नॉन पीटी है, नॉन पीटी 1,10,000-1,15,000, 1,10,000 और 1,00,000। 12 प्रो ना, 12 सिंपल, ठीक हो गया। ये कौन सा पड़ा है? 13 प्रो। अच्छा, 13 है, इसका क्या रेट है? 2,10,000, 2,10,000, ठीक है, रेट इतना ज़्यादा नहीं है। आई गेस मैंने आपको लाइक 100 है, हां मैंने आपको बताया था, ठीक है। और 11, आई गेस ये 11 ही पड़े ना, वाइट 11 पीडीए अप्रूव, 1,25,000, 128 GB, ठीक हो पहली जिंदगी में कम अंधेरे। देखे मेरे साथ फिरेंगे तो अच्छी जगह पे जाएंगे, लाइट वाली जगह। चलो उजाला ही उजाला हो गया हमारी जिंदगी में, एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई यार। एक शॉप से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि आईफोन्स के इस टाइम क्या रेट जा रहे हैं। आईफोन के रेट मेरे ख्याल से नीचे भी आ जाए तब भी हमारी औकात से बाहर ही रहेंगे। मैं तो आईफोन 2 इस्तेमाल करता हूँ भैया। आईफोन सर दिखाओ ना, आईफोन 2 यार, आईफोन 2 क्या हो गया, आईफोन 2 एम एल यार। देख 2 आई, मैं आपको बताता हूँ, देखे 2 आईफोन, तो आईफोन 2 है, ठीक है। ये बढ़िया ये नेचुरल जोक है। ये काम की शॉप है, ये है यहाँ पे कोई प्ले स्टेशन वगैरह बिक रहे हैं और कैमरा बिक रहे हैं। मैं कोई ना, हमारे पास जो बहुत सारा पैसा आ जाएगा ना फिर मोबाइल से हम लोग। जब भी मैं इस प्लाजे में आता हूँ मैं इनसे पूछता हूँ PS5 कितने का। और ये बड़े काम की शॉप है यार, अगर आपने भी कोई ब्लॉगिंग शॉपिंग करनी है तो यहाँ पे ट्राईपॉड, रिंग लाइट्स, माइक शाइक आपको सब कुछ मिल जाएंगे। ये शॉप है, आप लोग सिंगापुर प्लाजा में एंटर ही होंगे ना, एंटर होते सारी सारी शॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंगापुर प्लाजा जो है वो पाकिस्तान में कहीं सिंगापुर ना चले जाना यार। पहले ना मैं आपको बताता हूँ, ये पार्किंग है, ये खाली खाली इसलिए आपको महसूस हो रही है क्योंकि टाइम तो कम हो ही गया है ना, बहुत ज़्यादा हो गया रात, जब से इन्होंने टिकट लगाई है ना हम यहाँ पे कोई नहीं खड़ी करता, सब बाहर फ्री खड़ी करते, मैंने खुद बाहर खड़ी की। और अच्छा एक चीज़ और होती है, ये इस तरह की पार्किंग होती है ना, जब आप इनको स्किप करके बाहर पार्किंग कर दो ना तो कुछ लोग होते हैं वो आपके टायर पंचर कर दें जान के। करो जी मेहरबानी करो, हाँ मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। गलत लोगों के साथ गलत काम ही होते हैं, अच्छे लोगों के साथ अच्छे काम होते हैं। तो खैर मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें, एक शॉप से हमने विजिट किया, आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया हो कि आईफोन के क्या रेट है। 1,70,000, हाँ।
तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा। बाकी हम और भी शॉप्स विजिट कर लेते हैं, लेकिन इस टाइम जो है ना सारी शॉप्स बंद हो रही हैं, तकरीबन जो है ना 10:30 का टाइम हो रहा है, और वो सारा कुछ इस बंदे की वजह से हुआ है क्योंकि ये लेट आया यार। सुपरस्टार लेट हो जाते हैं यार, बताएं बड़ा आया कोई सुपरस्टार देखो। तो खैर दैट इज़ ऑल फॉर द ब्लॉग, मिलते हैं किसी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।